जब जब आपको ये समझ में आ जाए, हम सबको छोटे से लेके बड़े, जब हमको ये समझ में आ जाए कि हमारी खुशी कहाँ है और खुशी हमको किस चीज से ज्यादा मिलती है, तो हमारी आधी लड़ाई उधर ही हम जीत लिए। योर फोकस हैज टू चेंज। देखो, जब हम बाहर खुशी ढूंढते हैं ना, तो हम हमेशा दूसरों पे निर्भर हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मम्मी मुझे खाना दे, डॉक्टर मुझे बताए कि नहीं आज तुम गुलाब जामुन खा सकते हो, कोई फ्रेंड मुझे उसके बर्थडे पे चॉकलेट या केक दे। तुम्हारी खुशी दूसरों के ऊपर निर्भर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। लेकिन तुमको ड्राइंग अच्छा करना है, तुमको पढ़ाई अच्छी करनी है, तुमको डांस अच्छा करना है, इसकी खुशी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो हम वो चीज करें ना जिसमें खुशी हमारे हाथ में है। हम वो क्यों चीज करें जिसमें हमको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है? अच्छा, दूसरी ये बात, तुम्हारा जो टेस्ट है, टेस्ट वो जबान में है, पेट को मालूम है कि हमने आज बर्गर खाया है या रोटी दाल, नहीं, ब्लड शुगर को मालूम है, ब्लड शुगर को बराबर मालूम है हमने क्या खाया है। पर रोटी दाल या पिज्जा का जो फर्क है खाने में, वो सिर्फ जबान तक है। जबान से नीचे गया, एवरीथिंग इज द सेम, दूसरे दिन निकल गया। फिर हम नई खुशी की तलाश में, हर 3 घंटे हम नई खुशी की तलाश में। आइसक्रीम खा लिया, 3 घंटे बाद भूख लगेगी और कोई खुशी, राइट? तो every 3 hours अगर हम इसकी तलाश में रहते हैं, तो वी आर सो डिपेंडेंट एंड वी आर ऑलवेज अनहैप्पी। जब तक हमें वो नहीं मिलती, हम हमेशा अनहैप्पी हैं। तो हमको क्या करना है? हमको फोकस हमारा उन चीजों पे शिफ्ट करना है जिससे कि हमको खुशी जो मिलेगी वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगी। आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका HbA1c का रिपोर्ट इस टाइम का बहुत बढ़िया था, तो खुशी खुशी निकलते हो ना बाहर? अगर डॉक्टर ने बोल दिया वेरी वेल डन बेटा, या किसी ने बोल दिया कितना बढ़िया कंट्रोल किया, आज बहुत अच्छा किया, तो उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सो दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड। और ये जब हमारे जहन में आ जाए, ये जब हम समझ ले कि जो लंबी खुशी है या जो डीप हैप्पीनेस है, वो हमको हमारे कामों से मिलती है, हमको हमारे अचीवमेंट से मिलती है, तो हम ये छोटी मोटी गुलाब जामुन और आइसक्रीम की खुशी के पीछे नहीं भागेंगे। दिस इज अ मेजर थिंग टू रिमेम्बर, टू चेंज अवर माइंडसेट।